पंचांग की। आज है 28 मार्च 2023, दिन है मंगलवार। सूर्योदय हो चुका है सवेरे 6:16 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:36 पर। आज चंद्रोदय होगा सुबह 10:41 पर, चंद्रास्त होगा रात 12:30 पर। चंद्रमा रहेगा वृष राशि में, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल सप्तमी तिथि है और मृगशिरा नक्षत्र है, सौभाग्य योग है। आज का जो शुभ मुहूर्त है वह 12:02 से लेकर के 12:50 दोपहर तक है। राहु काल है सायंकाल 3:31 से लेकर के 5:03 तक रहेगा, उत्तर दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रमा अपनी उच्च की राशि पर है। जब चंद्रमा उच्च की राशि पर होती है तो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी हो जाता है, सोचने लगता है, कई बार वह निगेटिव चैनलाइज हो जाता है। पॉजिटिव चैनलाइज होता है तो बहुत खुश रहता है, उत्साहित रहता है, लेकिन जैसे ही वह नकारात्मक चैनलाइज होता है, निगेटिव होता है, उसको दिक्कतें आती हैं। तो आज आपको ये करना है कि निगेटिव चैनलाइज नहीं होना, पॉजिटिव चैनलाइज होकर के पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें। कहते हैं कि चंद्रमा मन का कारक है, हमारी जैसी सोच होगी वैसी हमारी प्रगति होगी। तो हमको अपना पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना और अपनी एनर्जी को, अपने इम्प्लीमेंटेशन को, अपनी जो टास्क है, टारगेट है, उसको आज इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। और ये ध्यान रखना है कि राहु काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत आपको नहीं करनी है, शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य आपके लिए फायदेमंद होगा। दिशाशूल में यात्रा करने से परहेज करें, लेकिन लगता है कि यात्रा अपरिहार्य है, करना ही करना है, तो आप एक दिन पूर्व आप प्रस्थान निकाल करके तब यात्रा करें। आज का जो दिन है बड़ा महत्वपूर्ण है। आज माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधकों के सभी तमन्ना, सभी इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति की दैविक, दैहिक, भौतिक जितने भी सुख हैं सब मिलते हैं। सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, यश मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है और जो साधक होते हैं उनको हर प्रकार की साधना में सफलता मिलती है और व्यक्ति हर प्रकार का सुख ऐश्वर्य मिलता है और व्यक्ति शत्रुओं पर प्रभावी होता है और जो उसकी इच्छा होती है वो सारी इच्छाएँ माता जी की कृपा से पूर्ण होती है। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज का दिन जो है माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप के लिए समर्पित है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करना चाहिए। माँ के इस स्वरूप से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और आपके अंदर सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। माँ के स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि देवी कालरात्रि के आशीर्वाद से सभी प्रकार के संकटों का समाधान होता है और कार्यों में आपको बड़ी सफलता मिलती है। तो चलिए जानते हैं।